नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ऑफ गवर्नमेंट जॉब विद RK। दोस्तों, HSSC में जो ग्रुप सी की भर्तियां होती है, जैसे हरियाणा पुलिस, क्लर्क और पटवारी, या इसके अलावा और बहुत सारी भर्तियां हैं, इससे रिलेटेड एक नोटिस आया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसमें कुछ बदलाव होने जा रहा है, तो वो क्या बदलाव होने जा रहा है इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं कि आज है क्या नोटिफिकेशन आया है। दोस्तों, ये नोटिस है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉमन एग्ज़ाम फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट एंड सर्विस रूल ऑफ ग्रुप सी पोस्ट। जो ग्रुप सी पोस्ट है उसका कॉमन एग्ज़ाम लेने का प्लान तैयार कर रही है गवर्नमेंट। जैसे कि आपने देखा होगा, HSSC में CHSL के, CGL के और MTS के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। कॉमन एग्ज़ाम ले लेते हैं, जैसे 10th बेस पे जितनी रिक्वायरमेंट है, 12th पे जितनी रिक्वायरमेंट है और ग्रेजुएशन पे जितनी रिक्वायरमेंट है, उनका एक एक एग्ज़ाम लेते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट डिसाइड कर देते हैं। जैसे हरियाणा ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, ग्रुप डी का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दिया गया था, ताकि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग एग्ज़ाम ना देना पड़े। तो इसी तरह HSSC में भी एक ये बदलाव हो सकता है, जिसके लिए एक मीटिंग डिसाइड की है, जिसका शेड्यूल इन्होंने एक और अटैचमेंट में दिया है, और जो मीटिंग है उसका रूम नंबर 67 फोर्थ फ्लोर हरियाणा सिविल सेक्रेटरी एज पर शेड्यूल अटैच हैंड विथ, मतलब ये एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। तो उसमें मीटिंग के बाद क्या रिज़ल्ट आता है, आपको ये भी अपडेट ज़रूर किया जाएगा। तो यह जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें,